प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट एंड प्रोजेक्टिव टेक्निक। इसमें ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें जो यूनिट वन में थी, बस रोशा जो है थोड़ा और डेप्थ में गए हैं। मोस्टली जो इसमें रोशा के बारे में बताया गया वो मैंने पिछले चैप्टर में ऑलरेडी बता दिया था, बट स्टिल इसमें जो हेडिंग्स आती जाएंगी, वी विल सी वॉट एवर इज न्यू विल डिस्कस, एंड जो पुराना भी है अगर वो करेक्टेड है तो विल रिपीट इट। तो सबसे पहले वही आती है बात कि जो व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट। ठीक है, तो अब इसका ना बहुत पुराना इतिहास है, हिस्ट्री है प्रोजेक्टिव टेस्ट की। जैसे इवन जो बुक में भी नहीं दिया है वो मैं बता रहा हूँ, एक जैसे यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ ए वेरी फेमस पर्सन, लियोनार्डो द विंची। तो वो पेंटर भी था, इंजीनियर भी था, डॉक्टर भी, सो मेनी थिंग ही वॉज। सो वो जो है अपने स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट करता था, डिसाइपल्स, वो प्रोजेक्टिव टेस्ट के बेसिस पे ही करता था। तो उनको जो अपनी ड्राइंग्स दिखाता था, या जैसे क्लाउड दिखाया, कुछ भी ऐसी एब्स्ट्रैक्ट सी चीज़ दिखाई जिसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है, इट कैन बी एनीथिंग, और फिर वो जो आंसर्स देते थे उसके बेसिस पे वो उनका सिलेक्शन करता था, लियोनार्डो दा विंची। तो इन्होंने शेक्सपियर से स्टार्ट किया है कि शेक्सपियर ने जो है जैसे क्लाउड में हम लोग देखते हैं ना बचपन में, अभी भी देखते हैं क्लाउड, किसी को ह्यूमन बीइंग दिखाई देता है, किसी को हॉर्स दिखाई दे रहा है, किसी को कुछ दिखाई दे रहा है। सो ये सब सेम क्लाउड जो है डिफरेंट लोगों को डिफरेंट क्यों दिखाई दे रहा है? तो कुछ तो है जो डिफरेंट दिखा रहा है इंसान को। सो विलियम स्टर्न जो है ये साइकोलॉजिस्ट थे। सो इन्होंने जो है इसी तरह से क्लाउड टेस्ट जो है बनाया, यूज़ किया था इवन बिफोर रोशा। रोशा ने जो इंक्लाउड बनाया था उससे पहले विलियम स्टर्न ने क्लाउड्स को यूज़ किया था। फिर एक सर फ्रांसिस गैल्टन हुए, ये चार्ल्स डार्विन के कजिन थे। चार्ल्स डार्विन था जिसने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो दी थी, वो था उसके कजिन थे। तो इन्होंने जो है वर्ड एसोसिएशन टेक्निक बनाई थी। हमने पढ़ा था ना पिछले यूनिट में कि देर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक, उसमें से एक वर्ड एसोसिएशन है। तो वो इन्होंने ही जो है बनाई थी, सर फ्रांसिस गैल्टन ने, और उसको एमिल क्रैपलिन जो है, ये साइकियाट्रिस्ट थे, एमिल क्रैपलिन, इन्होंने जो है उसको यूज़ भी किया था। फिर बिने एंड हेनरी, इन्होंने भी जो है यूज़ किया था पिक्चर्स के जरिए। फिर एल्फ्रेड एडलर, उसने जो है जैसे पेशेंट्स को पूछता था कि तुम्हारी सबसे पुरानी मेमोरी तुम्हारे दिमाग में कौन सी आती है अपने लाइफ की, तो वो सबसे पुरानी मेमोरी जो है, दो ही रीजंस होते हैं नॉर्मली, कोई मेमोरी आती है या तो अच्छी है या ख़राब है। तो जो उसको प्रीडोमिनेंट मेमोरी होगी वो ज़्यादा याद आएगी तेज़ी से, तो उसके बेसिस पे पता चलेगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, अच्छी बातें चल रही हैं, ख़राब बातें चल रही हैं, जो भी है। फिर जो रियल जो प्रोजेक्टिव टेक्निक का जो रियल इम्पीटस, इम्पीटस मतलब जो रियल थ्रस्ट, जो रियल जोर दिया था, वो हरमन रोशा ने दिया था 1921 में थ्रू हिज क्लासिक मोनोग्राफ। मोनोग्राफ का मतलब होता है कि कोई किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई चीज़ जो लिखी जाती है उसको मोनोग्राफ कहते हैं। सो वो हरमन रोशा ने 1921 में दिया था, लिखा था। वहाँ से शुरुआत जो है हुई तेजी पकड़ने की प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की। उससे पहले भी होता था जो मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दिए, लेकिन यहाँ से इट टुक रियल इम्पीटस। सो एक डेविड लेवी था, वो अमेरिका में लेके आया था इसको, इंक प्लॉट को, लेकिन बहुत जल्दी थोड़े ही समय बाद जो है और भी लोग जो है लेके आ गए, जैसे एरोन बेक है, क्लॉफर है, हर्ट्ज है, ये सब भी जो है रोशा जो है दे स्टार्टेड टीचिंग इन अमेरिका। फिर पिछले हमने चैप्टर में पढ़ा था यूनिट में कि हेनरी मरे जो है उसने क्रिस्टियाना मॉर्गन के साथ में जो है थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट जो है बनाया था। जो पिछले चैप्टर में उन्होंने क्रिस्टियाना मॉर्गन का नाम लिखा था, यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ पे केवल सॉरी हाँ नहीं दिया है, पूरा नाम नहीं दिया है, मॉर्गन एंड मरे लिखा है। तो क्रिस्टियाना मॉर्गन एंड मरे दोनों को ने किया था। फिर इन्होंने फर्दर उसको जो 1938 में हेनरी मरे ने उसको डिस्क्राइब भी किया था कि प्रोजेक्शन होता क्या है। और ये टर्म जो प्रोजेक्टिव है ये कहाँ से शुरुआत हुई?
एल के फ्रैंकलिन ने जो है 1939 में एक पेपर लिखा था प्रोजेक्टिव मेथड्स के ऊपर, रिसर्च पेपर, तो वहाँ से जो है इस टर्म की शुरुआत हुई। उससे पहले डिफरेंट डिफरेंट नामों से बोलते थे या कहीं यूज़ भी किया होगा, लेकिन एक जैसे होता है ना फॉर्मलाइज हो गया कि भाई इन सब टेक्निक्स का नाम क्या जो इनडायरेक्ट वाली है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई, एल के फ्रैंकलिन, वर्ड की टेक्निक तो पहले से यूज हो रही थी, वर्ड यहाँ से स्टार्ट हुआ। सो ये जो सिगमंड फ्रॉयड है उसने भी जो है डिफरेंट तरीके से जो है इस नोशन को यूज़ किया, जैसे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, अनकॉन्शियस प्रोसेस है, ये सब जो है प्रोजेक्ट होता है ना, कि प्रोजेक्शन एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, तो ये वहाँ पे भी सिगमंड फ्रॉयड ने यूज़ किया था, बट ही यूज़ दिस वर्ड प्रोजेक्शन इन टर्म्स ऑफ ईगो डिफेंस, नॉट एज टेस्टिंग टेक्निक। तो अब जो है मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो प्रोजेक्शन है वो ईगो डिफेंस के लिए ही हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी, पर उसके सेंस में भी यूज़ किया जाता है सिगमंड फ्रॉयड वाले उसमें। और अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल डिक्शनरी की, तो उसमें प्रोजेक्टिव टेक्निक का मीनिंग दिया है कि अगर हम किसी व्यक्ति का जो कैरेक्टरिस्टिक मोड ऑफ बिहेवियर ऑब्जर्व करें किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्स नेसेसरी नहीं है, तो वो टेक्निक जो है प्रोजेक्टिव टेक्निक होगी। जैसे कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई रिलीजियस सिंबल किसी को भी दिखाएं तो सभी उसकी रिस्पेक्ट करने की कोशिश करेंगे, नमस्ते करेंगे, दे विल बाव, सर झुकाएंगे, वॉट एवर, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स रिस्पॉन्स नहीं हुआ, ये तो सिचुएशन की वजह से हुआ है ना। कैरेक्टरिस्टिक रिस्पॉन्स कब आदमी को निकल के आएगा, जब मल्टीपल रिस्पॉन्स पॉसिबल हों तो उसमें से वो एक रिस्पॉन्स चूज करे, तो वो जो है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में होता है कि जो स्टिमुलस है वो एक तो अनस्ट्रक्चर्ड होता है और दूसरा एम्बिगुअस होता है, तो इन दोनों की वजह से एनी नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज आर पॉसिबल, तो बहुत सारी चॉइस होती है सब्जेक्ट के पास में, उसमें से जो वो चूज करेगा वो उसका कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर होगा, ना कि सिचुएशन की वजह से होगा, ठीक है। तो अब जो है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को डिफ्रेंशिएट कैसे किया था, पहला तो ये जो अभी मैंने बताया अनस्ट्रक्चर्ड और एम्बिगुअस स्टिमुलस होगा। अब वो जो अनस्ट्रक्चर्ड और एम्बिगुअस स्टिमुलस है उसकी वजह से, एम्बिग्यूटी और अनस्ट्रक्चर्ड होने की वजह से जो सब्जेक्ट है ही और शी इज फोर्स टू बिल्ड हिज और हर ओन स्ट्रक्चर ऑन दैट गिवन स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ द एम्बिग्यूटी, तो उसकी वजह से वो काफ़ी सारी जो है अपनी, या काफ़ी सारी नहीं तो कम से कम कुछ ना कुछ तो अपने बारे में जरूर रिवील करेगा, जैसे उसकी नीड्स क्या हैं, विश क्या हैं, उसके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रहे हैं, ये है। अब दूसरी चीज जो है, इन्होंने जो अभी हमने बात करी अनस्ट्रक्चर्ड की, उसके बारे में लिखा है कि दिस इज वेरी टेन्यूअस क्राइटेरिया, टेन्यूअस मतलब अनसर्टेन, कि इसका कोई हम फिक्स डेफिनेशन नहीं दे सकते कि अनस्ट्रक्चर्ड हम कब कहेंगे। अनस्ट्रक्चर्ड तो हम एक्चुअली देखें तो टेक्निकली तभी कहेंगे कि एक कोई चीज है उस पर हर आदमी जो है डिफरेंट रिस्पॉन्स दे रहा है, तो हम कहेंगे अनस्ट्रक्चर्ड हुआ। लेकिन कुछ ऐसे जो है चीज़ें हैं, जैसे जो कार्ड फाइव है रोशा का, उसको सभी जो है देख के 70% पीपल दे से इट इज़ अ बैट, तो अब 70% लोग बैट कह रहे हैं तो ये तो अनस्ट्रक्चर्ड तो नहीं कह सकते हैं, तो वैसे सबको बहुतों को दिखाई दे रहा है ना, तो एक ये भी आर्ग्यूमेंट है कि अनस्ट्रक्चर्ड की कोई डेफिनेशन नहीं है। तो इट इज़ नॉट द टेस्ट, इनका ये कहना सेकेंड पॉइंट में कि ये टेस्ट नहीं है कि वो अनस्ट्रक्चर्ड होगा या नहीं होगा, उसको इंस्ट्रक्शन कैसी दी जा रही है वो इम्पॉर्टेंट है उसमें। जैसे एक पिक्चर में दो जो है ह्यूमन बींग्स दिखाए गए हैं, और अगर हम उससे पूछें कि बताओ ये मेल है या फीमेल है, तो ये तो हाईली स्ट्रक्चर्ड हो गया, उसको सिर्फ येस और नो ही तो बोलना है, दो ही तो पॉसिबल आंसर है, ये मेल है या फीमेल है, हाईली स्ट्रक्चर्ड हो गया। लेकिन अगर हम इसी फोटो में जिसमें कि दो इंडिविजुअल दिखाई दे रहे हैं ऑफ एनी जेंडर, हम ये पूछें कि बताओ ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं, तो ये हाईली अनस्ट्रक्चर्ड हो गया, सेम पिक्चर। सो अनस्ट्रक्चर्ड होना इज नॉट द स्टिमुलस, इट इज द इंस्ट्रक्शन व्हाट वी आर गिविंग। सो दूसरी चीज ये है कि कैसे पता चलेगा अनस्ट्रक्चर्ड है नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रक्शन वी आर गिविंग। तीसरी चीज क्या है कि जो
प्रोजेक्टिव टेक्निक है, ये इनडायरेक्ट मेथड है। जैसा कि मैंने पिछले यूनिट में भी बताया था, आई एम रिपीटिंग इट, कि जो डिफेंस ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं उसको बाईपास करता है ये। अनकॉन्शियस में जो चीज़ें हैं उसको इनडायरेक्टली एक्सेस करता है थ्रू इंडिविजुअल्स प्रोजेक्शन ऑफ हिज और हर नीड्स, प्रेसेस, विशेस, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिजायर्स इन द फॉर्म ऑफ ए स्टोरी और सेंटेंस और ए वर्ड, जो भी है। और उसको इंडिविजुअल को पता नहीं होता है कि उसके रिस्पॉन्सेस को जो है कैसे एसेस किया जाएगा, उसके रिस्पॉन्सेस की क्या सिग्निफिकेंस है। कई बार तो ये भी नहीं उसको पता होगा कि क्या टेस्ट किया जा रहा है, ये भी पॉसिबल है। और अगर पता भी होगा तो बहुत वेग सा पता होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ये इनडायरेक्ट मेथड है। और चौथी बात ये है कि जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है इसमें फ्रीडम ऑफ रिस्पांस होगी, जो अभी मैं फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं बोला था, एन नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ द अनस्ट्रक्चर्ड एंड एम्बिगस नेचर ऑफ द स्टिमुलस। तो ऐसे टेस्ट नहीं होंगे खाली येस और नो वाले, जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया कि एक फोटो दिखाई, टू इंडिविजुअल्स आर देयर, बताओ दिस इज मेल और फीमेल, तो ये तो दो ही रिस्पॉन्स हुए ना, तो ये तो प्रोजेक्शन कहाँ से होगा, ये तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो गया, प्रोजेक्टिव थोड़ी हुआ। ये चौथा पॉइंट हो गया। एंड फिफ्थ पॉइंट इज कि रिस्पॉन्स इंटरप्रिटेशन डील्स विद मोर वेरिएबल्स। हम कोई एक सिंगल चीज नहीं देख रहे हैं उसके रिस्पॉन्स में, जैसे हम उसकी नीड्स भी देख रहे हैं, वेल एडजस्टेड है, मैल एडजस्टेड है, ये भी देख रहे हैं, कोई डायग्नोसिस भी अगर किसी साइकोपैथोलॉजी का करना वो भी हम कर सकते हैं, ईगो डिफेंसेस भी हम उसके देख रहे हैं, उसके प्रोसेस भी हम देख रहे हैं, उसके हीरोज भी देख रहे हैं, उसकी लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट भी देख रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें हम देख सकते हैं सेम वेरिएबल में, सेम जो उसका रिस्पॉन्स है उसी में हम इतनी सारी चीज़ें देख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हम उसको किस एंगल से देखेंगे। सो ये सारी जो है चीज़ें प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में होती हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में नहीं हो सकती हैं। यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। सो नेक्स्ट इज क्लिनिकल यूजफुलनेस। क्लिनिकल यूजफुलनेस में क्या है कि ये प्रोजेक्टिव टेस्ट है, सबसे पहली बात तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी होती है कि अगर हम कोई टेस्ट कर रहे हैं, ये हमने पता था ना एथिक्स इन असेसमेंट में हमने पढ़ा था कि इसका कोई मिसयूज नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि इसका कोई स्टैंडर्डाइज नहीं है, इसकी इंटरप्रिटेशन सब्जेक्टिव है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी कह दे और उसका फ़ायदा उठा लिया जाए गलत। सपोज़ हम कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया रख रहे हैं किसी जॉब के लिए कि जो प्रोजेक्टिव टेक्निक टेस्ट में पास होगा उसी को हम लेंगे, तो उसमें तो फिर लोग हेरा फेरी भी कर सकते हैं ना, मिसयूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिविटी है। तो वो भी हमको ध्यान रखना होगा कि इसका मिसयूज़ ना हो। दूसरा है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसके इंटरप्रिटेशन में जो है हमसे कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि सब्जेक्टिविटी इतनी ज़्यादा है ना, तो उसमें जो है हमसे कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जाए कि जो हम ना चाहते हुए गलती से कर दें। तो अब ये कैसे होगा कि हम जो है जो प्रोजेक्टिव टेक्निक से जो हमने इंटरप्रिटेशन किया है उसको वैलिडेट करें जो ऑब्जेक्टिव डाटा से, कि हाँ ये प्रोजेक्टिव टेक्निक जो ये कह रही है ये जो है ऑब्जेक्टिव डाटा भी यही कह रहा है, ऐसे वैलिडेट करें, तो मिस्टेक चांस नहीं होगी और मिसयूज़ भी नहीं होगा। फिर एक बात ये भी है कि हम जो है एक कोई जो है स्पेसिफिक इन्फ्लुएंस की बात करें तो हम उसका कोई बेसिस भी तो बताएंगे कि हमने क्यों किया। अगर हम बेसिस नहीं बताएंगे तो फिर हम लोगों को सिखाएंगे कैसे कि इंटरप्रिटेशन कैसे करना है। सो इफ़ वी हैव टू टीच पीपल, इफ वी हैव टू ट्रेन पीपल इन द प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, देन देर हैज़ टू बी सम बेसिस ऑफ द वॉट एवर इन्फ्लुएंसेस वी आर ड्राइंग, स्पेसिफिक इन्फ्लुएंसेस। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर जो डाटा जो है हमारा प्रोजेक्टिव टेक्निक का, उसके जो अंडरस्टैंडिंग को हम और एडवांस कर सकते हैं कैसे, कि उसकी जो पर्सनल फंक्शनिंग है, उसकी साइकोपैथोलॉजी है, उसको समझ के कि भाई ये चीज़ जो है हमारा प्रोजेक्टिव टेक्निक का डाटा कह रहा है और इंडिविजुअल की जो है पर्सनल फंक्शनिंग में भी ये इम्पेयरमेंट दिखाई दे रहे हैं, और जो साइकोपैथोलॉजी में जो जो सिम्टम्स होने चाहिए इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर के वो भी हैं। तो ये सारा जो है हमारा क्या एडवांस अंडरस्टैंड इंटरलिंक हो गई ना चीज़ें, तो अंडरस्टैंडिंग हमारी बेटर हो गई
प्रोजेक्टिव टेक्निक के बारे में, देन रिसर्च के लिए भी। अगर हम सिर्फ ये कहें कि हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह सकते हैं कि इसने जो रिस्पॉन्सेज दिए हैं इसका मीनिंग ये है, तो अगर हमने ऐसा कह दिया तो फिर हम दूसरों को सिखाएंगे कैसे उसको? फिर हमें कोई जो है एक्सप्लिसिट रीज़न भी तो देना पड़ेगा कि भाई हमने ऐसा क्यों कहा। तो रिसर्च के लिए, रिसर्च हो ही नहीं सकती वरना तो रिसर्च कैसे होगी? सो ये एक चैलेंज रिसर्च के लिए भी है कि अगर हमको प्रोजेक्टिव टेक्निक्स पर रिसर्च करनी है सो जो हम अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहे हैं उसको एक्सप्लिसिट बनाना होगा कि भाई ये रीजंस हैं। जो भी रीज़न है वो रीज़न जो तभी रिसर्च हो पाएगी। जैसे अगर क्लिनिशियन कहता है कि मैंने आज तक जो पेशेंट देखे हैं उस जिन्होंने ये रिस्पॉन्स दिए हैं उनको आगे चल के मैंने देखा है ये डायग्नोसिस होता है, प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो अब रिसर्च हो सकती है उस पर कि और जगह जो है यही सेम रिस्पॉन्स देने वालों को कि आगे चल के ये साइकोपैथोलॉजी हुई या नहीं हुई। अगर उसने सिर्फ ये लिख दिया कि मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस ये कहता है कि फ्यूचर में प्रोसेस ये आगे चल के इसको ये साइकोपैथोलॉजी होगी, तो फिर रिसर्च कैसे होगी? तो समथिंग हैज़ टू बी सेड। तो ये क्लिनिकल यूजफुलनेस के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँ। सो नाउ जो है नेक्स्ट हमारा जो आता है वही जो एज ओल्ड कंटेंशन है सभी टेस्ट का कि ऑब्जेक्टिविटी जो है स्टैंडर्डाइजेशन वगैरह वही सब आता है। तो अब हम जो मेजर करेंगे तो स्टैंडर्डाइज करना ज़रूरी हो जाता है। क्यों ज़रूरी होता है? अगर हम स्टैंडर्डाइज करेंगे तभी हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर मुझे कोई काम एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर तरीके से तुमसे करवाना है तो देन आई शुड बी एबल टू ट्रांसलेट दैट वर्क इन स्पेसिफिक वर्ड्स एंड सेंटेंसेस व्हाट यू आर सपोज टू डू। अदरवाइज तो कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी करेगा तो हम मेजर कैसे करेंगे? ठीक है, एक तो ये बात है स्टैंडर्डाइजेशन से कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है। दूसरा क्या है कि हम जब स्टैंडर्डाइज करेंगे तो जो पर्सनल बायसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अपनी मर्जी ख़त्म हो जाती है ना, मेरी मर्जी। तो स्टैंडर्डाइज करने से ये चांसेस ऑफ बायसेस आर लेसन। फिर एक और भी चीज़ होती है कि कई जो है एक समथिंग कॉल्ड इंटरप्रेटिव जील ऑफ क्लिनिशियन, मतलब कोई जो रिस्पांस आया इसका कोई ना कोई तो मीनिंग निकालना ही निकालना है, चाहे वो हो ना कि इसने रिस्पांस दिया कुछ तो मीनिंग होगा। हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, कई भी सिंपली बिना किसी रीजन के भी रिस्पांस हो सकता है, या हर एक का रिस्पांस जो आया है उसका कोई मीनिंग हम निकाल पाएं ये भी पॉसिबल नहीं है। हमेशा हो सकता है मीनिंग हो बट वी आर नॉट कैपेबल, ये भी तो हो सकता है। तो ये जो इंटरप्रेटिव जील है ये भी इस पर थोड़ा चेक्स एंड बैलेंस होते हैं स्टैंडर्डाइज करने से। ठीक है, देन जो कुछ लोग ये भी कहते हैं जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के चाहने वाले हैं और स्टैंडर्डाइजेशन के अगेंस्ट में हैं कि भाई ये जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का स्टैंडर्डाइजेशन जो है ये तो होने ही नहीं चाहिए, बल्कि हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? उसका एक लॉजिक देते हैं और वो लॉजिक काफ़ी हद तक सही भी है। हमने बहुत बार बात की है कि जो अप्रोचेस हैं वो इडियोग्राफिक होनी चाहिए, है ना? जो इडियोग्राफिक अप्रोच होती है वो इंडिविजुअल के हिसाब से होती है। हर इंडिविजुअल अलग अलग है, हर इंडिविजुअल अलग है, तो आप कैसे जो है स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं उसके इंटरप्रिटेशन को? सो इट हैज़ टू बी इडियोग्राफिक, इसलिए स्टैंडर्डाइज नहीं किया सकता है। तो यू कैन नॉट टेक ए नोमोथेटिक अप्रोच व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स, इट हैज़ टू बी इडियोग्राफिक। सो ये लॉजिक दिया था अगेंस्ट स्टैंडर्डाइजेशन। अगर हम रिलायबिलिटी की बात करें तो रिलायबिलिटी होना तो अच्छी बात है, पर ये जो टेस्ट हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक टेस्ट, इसमें पॉसिबल ही नहीं है रिलायबिलिटी जो है होना, क्योंकि हाउ इट इज़ पॉसिबल कि एक इंसान जो है सेम वर्ड टू वर्ड सेम चीज़ हर बार लिख के दे? तो रट के थोड़ी आया, चेंजेस आ सकते हैं। भाई मैंने अभी कोई रिसेंटली पिक्चर देखी है, उस पिक्चर का असर मेरे दिमाग में, मैंने उसकी थीम पे स्टोरी लिख दी TAT में। कुछ दिनों बाद डिफरेंट पिक्चर देखी, वो अगर ज़्यादा पसंद आई तो उसके बेसिस पे लिख दी, या अभी गुस्से में हूँ तो गुस्से वाली थीम वाली कोई स्टोरी लिख दी, कोई रोमांटिक मूड में तो रोमांटिक थीम वाली लिख दी। सो ये रिलायबिलिटी जस्ट नॉट पॉसिबल। ह्यूमन बींग्स का जो जो हमने बात करते हैं ना मूड एंड अफेक्ट,
ये चेंज कांस्टेंट नहीं है, मूड थोड़ा लंबे समय तक जरूर रहेगा लेकिन इफेक्ट तो चेंज होता रहता है ना, दिन में ही कई बार हो जाता है। सो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि एवरी टाइम द इंडिविजुअल विल गिव सेम स्टोरी और सेम रिस्पॉन्स, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए डिफरेंसेस तो होंगे स्टोरी में, चलो मान लिया डिफरेंसेस होंगे, तो अब फिर ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये हाउ मच ऑफ डिफरेंस इज परमिसिबल, इसका भी कोई स्टैंडर्ड नहीं बना सकते हैं कि भाई इतने चक तो फर्क मानेंगे कि सेम ही है, और इससे ज़्यादा फर्क होगा तो हम कहेंगे कि स्टोरी डिफरेंट है, तो ये भी हम नहीं कर सकते हैं। फिर अगर हम ये कर दें कि भाई हम दोनों चीज़ों को मिक्स कर दें कि कुछ स्टैंडर्डाइज कर दें चीज़ें, और कुछ जो है हम जो इंटरप्रेटर है वो अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से इंटरप्रिटेशन करें, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है कन्फाउंडिंग की, दोनों मिक्स हो गए। तो मिक्स हो गए तो हम क्या कहें कि वो टेस्ट का रिजल्ट है या क्लिनिकल क्लिनिशियन के अपने एक्सपीरियंस का है, तो कन्फाउंडिंग भी एक प्रॉब्लम हो जाती है ना, तीन प्रॉब्लम हो गई। और जो खासतौर से जो पेशेंट्स होते हैं उनमें तो साइकोलॉजिकल चेंजेस बहुत आते रहते हैं, जैसे बाइपोलर पेशेंट है वो तो डिप्रेसिव मोड में होगा तो डिप्रेसिव स्टोरी सुनाएगा लिखेगा, और मैनिक मोड में होगा तो हो सकता है कि वो और ही कुछ लिख रहा हो। सो और फिर एक इशू ये भी है कि जैसे ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स जो होते हैं TAT के जो हमने पढ़े थे, तो हम ये कैसे डिसाइड कर लें कि जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं वो इक्विवेलेंट हैं, मतलब वो सेम ही चीज़ें जो है इवोक करेंगे इंडिविजुअल के माइंड में, हम ये भी नहीं कह सकते हैं। सो इतने सारे इशू हैं जिसकी वजह से रिलायबिलिटी हम चाहकर भी नहीं कर सकते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में। ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए ना रिलायबिलिटी वाले। देन कम्स वैलिडिटी। वैलिडिटी की मतलब अक्रॉस वेरियस सिचुएशन कल्चर्स जो है वो करे, तो अगेन ये भी हम कैसे कह सकते हैं कि ये वैलिड, हम इसको हर एक उसमें करेंगे, तो कि जैसे कि एग्रेशन की सिचुएशन को जो है ये जज कर लेगा, क्योंकि हम उसको बना ही एम्बिगुअस रहे हैं, अनस्ट्रक्चर्ड बना रहे हैं, तो हम कैसे कह दें कि वो एग्रेसिव चीज़ों को मेजर करने के लिए है या डिप्रेसिव चीज़ों को मेजर करने के लिए है या पर्सनैलिटी के लिए ही है। तो ये है, तो ना ही हम ये कह सकते हैं कि इस कार्ड का जो स्कोर है वो एंजाइटी के लिए वैलिड होगा, तो इस टाइप की चीज़ें जो है करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम खुद ही जो है स्टार्टिंग हमने बात की ना अनस्ट्रक्चर्ड और एम्बिगस रख रहे हैं, तो हम हाउ कैन बी वैलिडेटेड फॉर ए पर्टिकुलर सिचुएशन। ये बात भी समझ में आ गई। नाउ नेक्स्ट इज रोशा टेस्ट। इसमें जो चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, 1921 में शुरू हुआ था दिस, वी आर ऑलरेडी कवर्ड इन दिस। हाँ, इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री में और दे दिया गया है कि जो इंक ब्लॉट का जो आइडिया है वो कहाँ से आया था, 1800 में आया था। एक गेम हुआ करता था ब्लोटो, ब्लॉटिंग पेपर से ब्लोटो था। ब्लॉटिंग पेपर में जो है इसी टाइप के जो है इंक छिड़क के उसको फोल्ड कर दो तो एग्जैक्टली सिमेट्रिकल जो है निशान बन जाएगा, तो गेम हुआ करता था। ये हरमन रोशा ने तो 1921 में किया था, गेम तो पुराना था, सो इट कुड बी दैट ही माइट बी प्लेइंग दिस गेम इन द चाइल्डहुड। हाँ, ये तो उसकी मैंने पढ़ा हुआ है उसके हिस्ट्री में, हरमन रोशा के, वो बचपन में ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग दिस गेम, तो कुड बी दैट ही वाइल प्लेइंग दिस गेम उसको दिमाग में आइडिया आया और फिर फर्दर उसने डेवलप किया उसको, तो ये है। देन हाँ, ये लिखा है दस द ब्लोटो बिकेम द बेसिस फॉर रोशा टेस्ट। तो जो हरमन रोशा था उन्होंने जो है यहीं से शुरुआत करी थी, इस टेस्ट को उन्होंने अपना बेसिस बनाया था कि भाई ये जो है गेम जो है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताता है, तो वी आई विल यूज दिस थिंग। हाँ, अब इसका ओरिजिन तो यूरोप में हुआ था, स्विट्जरलैंड में हरमन रोशा जो है, लेकिन ये वहाँ से इंग्लैंड भी मूव किया, अभी हमने पढ़ा था जो लेके गए थे लोग बाग। देन 1930s में हुआ था, दिस वी आर ऑलरेडी डिस्कस। फिर ये एक कार्ड का एग्जाम्पल दिया है इस तरह से थे। अब इस कार्ड को अगर हम देखेंगे सो एग्जैक्टली जो लेफ्ट साइड में है वैसा ही राइट साइड में है,
तो वो दिखाएंगे। अब किसको क्या दिखता है वो डिपेंड करता है, जैसे किसी को ये पूरा जो है कोई पूरा फिगर जो दिखाई दे सकता है कि लेटर से कोई पक्षी है वो उड़ रहा है, बर्ड है। कोई जो है केवल इतने वाले को, जहाँ मेरा कर्सर है इतने को देखेगा कि छोटे दो पक्षी है, कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है। कोई ये नीचे वाले को भी देखे कहेगा कि ये एक एरोप्लेन उड़ रहा है, उसके ऊपर जो है क्लाउड है। कोई कुछ भी कह सकता है। इस तरह से जो है 10 डिफरेंट कार्ड्स होते हैं, 5 कलर्ड होते हैं, कलर्ड मीन्स ब्लैक एंड व्हाइट एंड ग्रे, और पांच जो है सॉरी ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स ब्लैक एंड व्हाइट एंड ग्रे, और कलर्ड जो है उसमें रेड कलर भी होता है ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा। तो 5 कलर्ड होते हैं और 5 ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। तो पहला इसमें स्टेप होता है एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें जो है कार्ड देंगे इंडिविजुअल को और उससे पूछेंगे कि टेल मी व्हाट डू यू सी। उसको जो है जो भी दिखाई देता है वो बोलेगा, और जो भी उसका रिस्पॉन्स है उसको एग्जामिनर वर्बैटिम रिकॉर्ड करेगा, बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा, जस्ट वर्बैटिम रिकॉर्ड करेगा व्हाट एवर द पेशेंट इज सेइंग, और हर चीज़ नोट करेगा, उसके चेहरे पे क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, वो कार्ड को कैसे हैंडल कर रहा है, कितना टाइम ले रहा है, कार्ड को पलट के देख रहा है कि नहीं देख रहा है, एक हाथ से पकड़ रहा है, दो हाथ से पकड़ रहा है, टेबल पे रख के घुमा घुमा के देख रहा है, जो भी कर रहा है, एवरीथिंग, साइडवेज देख रहा है डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, और उसके जो स्पॉन्टेनियस रिमार्क्स हैं कि अरे ये तो बड़ा अच्छा कार्ड है, या ये तो देखते ही डर लग गया मुझे, ठीक है, तो ये सब भी नोट करना है। देन उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में नेक्स्ट स्टेप इज इंक्वायरी। अब वही कार्ड्स हम दोबारा से एक एक करके देंगे, अब पूछेंगे भी तुम्हें कहाँ दिखाई दे रहा है, जो तुम्हें रिस्पॉन्स दिया है शो मी। जैसे अभी इस कार्ड हमने पूछा, मैंने दिखाया ना दो छोटे छोटे बर्ड्स जो हैं, तो उसने मान लो पहले जब रिस्पॉन्स दिया तो उसने बोला कि मुझे दो छोटे छोटे बर्ड दिखाई दे रहे हैं और एक जो है मुझे स्पाइडर दिखाई दे रहा है, ऐसे बोल दिया उसने, उस टाइम नहीं पूछेंगे। फिर जब सेकेंड टाइम यही कार्ड देखेंगे तब उससे पूछेंगे, अच्छा वो तुम्हें बर्ड कहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो फिर उंगली रख के बताएगा कि एक बर्ड ये है, एक बर्ड ये है, अच्छा स्पाइडर कहाँ है, स्पाइडर ये है। तो ऐसे जो है फिर हम उससे इंक्वायरी स्टेज में क्लैरिफिकेशन पूछेंगे जो भी उसने बोला है, ठीक है। देन स्कोरिंग की बात आती है, स्कोरिंग में जो है हम लोकेशन की बात करेंगे कि किस कार्ड का कौन सा वाला एरिया है जहाँ पे उसको दिखाई दिया है, तो जब वो पॉइंट आउट करेगा तो हमें एरिया पता लग जाएगा ना कि कौन से एरिया में उसने बताया, कि पूरा कार्ड है या कार्ड का एक बड़ा हिस्सा है या स्मॉल डिटेल है या वाइट स्पेस है या कोई शेडिंग है ना। तो इस तरह से हम उसको लोकेशन वाली बात करेंगे। फिर दूसरा कंटेंट, कंटेंट में मतलब वो एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है या कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, इनएनिमेट मतलब जिसमें जान नहीं है, जैसे पत्थर है, बिल्डिंग है, तो इसके बेसिस पे भी असेसमेंट होता है। फिर हम जो है उससे पूछेंगे डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट्स में हम क्या देखेंगे, जो उसने बताया है उसके बाद में कि टेक्सचर क्या है जहाँ पे उसने बोला है, मूवमेंट वो बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। जैसे अभी मैंने बताया था कि कोई ये भी कह सकता है कि नीचे एक हवाई जहाज है उसके ऊपर क्लाउड है, हवाई जहाज उड़ रहा है उसके ऊपर क्लाउड है, तो मूवमेंट हो गया इसमें, और जो है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और जो नीचे वाला पोर्शन था वो शेडिंग था, तो ये हमने ये शेडिंग को इसने यूज़ किया। इस तरह से ये सारे डिटरमिनेंट, कंटेंट और लोकेशन, इसके बेसिस पे स्कोरिंग होती है। तो अब जैसे कि इसमें सब्जेक्टिविटी बहुत है, तो बहुत लोगों ने अपने अपने जो है सिस्टम्स बनाए, तो उस हर एक में सब्जेक्टिविटी है। तो एक जॉन एक्सनर थे, उन्होंने सिस्टम बनाया था, उसे कहते हैं एक्सनर्स कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ स्कोरिंग। तो ये सबसे ज़्यादा स्टैंडर्डाइज सिस्टम यही है, पर इसमें भी 54 डिफरेंट इंडाइसेस हैं, तो इन्होंने खुद ही लिखा है टोटल ऑफ 54 इंडाइसेस आर कैलकुलेटेड इन एक्सनर्स स्ट्रक्चरल समरी, और उसमें नीचे भी लिखा है इस पर्टिकुलर यूनिट में इसको कवर करना जो है पॉसिबल नहीं, इतना लंबा चौड़ा है वो।
इसके पर्टिकुलर कोर्सेस वगैरह होते हैं, एक एक हफ्ते के होते हैं, वहाँ पे इंटरप्रिटेशन वगैरह सिखाया जाता है। सो ये काफ़ी करंटली इन प्रैक्टिस है एग्जिनर सिस्टम, क्योंकि इसमें थोड़ा स्टैंडर्डाइजेशन है, तो जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है सिस्टम इसका रोशा इंटरप्रिटेशन का, तो उसमें एक क्लास में या एक बार में बताना, किसी को भी सिखाना पॉसिबल नहीं है। इट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव थिंग टू बी लर्न, और फिर भी जो है उसमें सब्जेक्टिविटी होगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो हम जान सकते हैं कि अगर जो है बहुत ज़्यादा फॉर्म इंसान यूज़ करा लें, जैसे कि हर बार कोई ह्यूमन बीइंग या एनिमल या कोई ऑब्जेक्ट देख रहा है, तो उससे हम कहेंगे कन्फॉर्मिटी ज़्यादा है, ठीक है। और अगर बहुत कम फॉर्म देख रहा है, उसको हमेशा जो है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एनिमल या ह्यूमन बीइंग या कोई ऑब्जेक्ट, तो हम साइकोसिस में उसको सस्पेक्ट करेंगे, साइकोसिस होने के चांस हैं। और अगर जो स्पेसेस हैं, मतलब वाइट वाले जो हैं, वो हिस्से में उसको कुछ चीज़ें हमेशा दिखाई दे रही ज़्यादातर, तो अपोजिशनैलिटी या इवन साइकोपैथिक क्वालिटी कि हर चीज़ का विरोध करना, साइकोपैथिक टेंडेंसी, वो माना जाता है। और अगर पूरा जो है कंप्लीट जो इंक प्लॉट है उसको देख के उसने पूरे का एक जो है डिस्क्रिप्शन दिया कि मुझे पूरे में ये दिखाई दे रहा है इंटीग्रेट, तो हम कहेंगे कि वो वेल इंटीग्रेटेड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड है। और अगर कोई बहुत बारीक बारीक डिटेल्स में बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो वो ऑब्सेशनल टेंडेंसीज को बताएगा कि एक एक डॉट का मीनिंग निकाल रहा है इस तरह से। और अगर वो बहुत छोटे छोटे एनिमल्स को देख रहा है, तो वो पैसिविटी है, मुझे वो पैसिव टाइप का है, एक्टिव नहीं है, अपने अपने आप को वो छोटा दिखता है, समथिंग लाइक दैट, अदर पीपल एंड अदर थिंग्स आर बिगर, आई एम स्मॉल, समथिंग लाइक दैट। और अगर वो जैसे ब्लड है, क्लॉज है, टीथ है, या इस टाइप की जो है डैगर है, इस टाइप की इमेजेस देखता है, तो होस्टिलिटी और एग्रेशन की टेंडेंसीज को बताते हैं, ठीक है। और इवन जैसे मैंने बताया कि कार टर्न करता है, उलट के देखता है पीछे की साइड, यानी अगर वो देखता है तो फिर ये होगा कि सस्पिशियस नेचर का है ये, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे हम डिफरेंट डिफरेंट मार्किंग करेंगे, एंड देन उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। सो ये ब्रीफ में उसका वो था। और जो एग्जनर और उसके एसोसिएट्स, उन्होंने क्या किया है, ये जो टेस्ट हैं इसके साइकोमेट्रिक जो है डाटा भी दिया है। तो अब क्योंकि साइकोमेट्रिक टेक्निक है, तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी आ ही जाएगी, स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज होंगी ना, तो इसीलिए थोड़ा उसको एग्जनर के जो सिस्टम को ये माना जाता है कि इट इज़ कंपैरेटिवली बेटर। ऑब्वियसली जो चीज़ स्टैंडर्डाइज है, तो उसमें जो है हम कोई रिसर्च भी कर सकते हैं, उसको हम टीच भी कर सकते हैं, उसको हम समझ भी सकते हैं, उसको हम समझा भी सकते हैं, लेकिन फिर भी हैविंग सेट दैट, कभी भी जो है इसमें कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी किसी प्रोजेक्टिव टेस्ट में नहीं आ सकती है। काफ़ी हद तक ऑब्जेक्टिविटी आ जाएगी, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक सब्जेक्टिविटी फिर भी रहेगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। देन ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी की। अब जो है ये बात तो जरूर मानने की है कि कम से कम कुछ बेसिक लेवल की जो है रिलायबिलिटी इंटर स्कोरर लेवल पे तो होनी चाहिए। भाई हाँ, कुछ चीज़ें तो ऐसी हों कि भाई मोर और लेस सभी एग्री करते हों। अब ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना कि एक ही रिस्पॉन्स को दो आदमी बिल्कुल डिफरेंट, एक कह रहा है कि ये बहुत एग्रेसिव है, दूसरा कह रहा है कि नहीं नहीं बहुत डोसाइल है, तो इतना भी तो नहीं होना चाहिए ना। कुछ एक बेसिक लेवल पे तो रिलायबिलिटी होनी ही चाहिए, ये इतना तो सब एग्री करते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम यही है कि रोशा टेस्ट में कि अभी तक जो है कोई रिलायबिलिटी लाने का, कंप्लीट रिलायबिलिटी या एक बहुत हद तक रिलायबिलिटी लाने का तरीका अभी तक बना भी नहीं है। सो
हाँ एक चीज हो सकती है रिलायबिलिटी के, मैं इंटरेस्ट स्कोर रिलायबिलिटी की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो दो लोग हैं, उन्होंने एक ही जगह पे ट्रेनिंग ली है रोशा टेस्ट की, तो वो अगर जो है किसी सेम रिस्पांस को अलग अलग भी रेट करेंगे तो उनके इंटरेस्ट स्कोर रिलायबिलिटी बेटर होगी, क्योंकि उनका ट्रेनिंग सिस्टम सेम है ना, इसलिए ये पॉसिबल है। तो और दूसरा क्या है कि जो डिफरेंट प्रोटोकॉल से रोशा के 10 साल पुराने भी है, 60 साल पुराने भी है, तो उनमें भी जो है रिलायबिलिटी हम देख सकते हैं। जैसे जो 10 साल पुराने वाले वो आपस में कंपेयर करें, 20 साल पुराने वाले वो आपस में कंपेयर करें, 60 साल पुराने वाले वो आपस में कंपेयर करें, सो ऑलमोस्ट जो सेम आरा के जो रोशा टेस्ट हैं जिनमें प्रोटोकॉल सेम था, तो उनमें तो रिलायबिलिटी मिल सकती है, ये पॉसिबल है। ठीक है, ये अभी जो लास्ट पॉइंट बोला मैंने समझ में आ गया ना? फिर अब एक जो है पार्कर एट ऑल ने 1988 में एक ब्रॉड सर्वे किया था रोशा का, तो उन्होंने ये पाया कि जो रोशा स्केल है उसमें जो रिलायबिलिटी है वो 0.41 है, जो स्कोरिंग की रिलायबिलिटी है वो 0.41 है, ठीक है, विच इज लोअर देन MMPI। MMPI में 0.48 है और इसमें 0.41 है, लेकिन आगे उन्होंने जब दूसरी एक रिसर्च करी तो उसमें उन्होंने जो डिफरेंट पाया तो उसमें 0.29 पाया, और वो सेम लोगों ने ही करी थी, वो पार्कर एट ऑल नहीं करी थी, सो रिसर्च में भी फर्क आ रहा है। ये इश्यूज हैं, यू जस्ट कैन नॉट राइट देम ऑफ की नहीं नहीं ऐसा कोई इशू नहीं है, रिलायबिलिटी का है, वैलिडिटी का है। अब जो है एज ए मेथड की हम बात करें रोशा को, तो भले ही इसको इंक ब्लॉट टेस्ट जरूर कहते हैं, पर ये लोगों का कहना है कि भाई रोशा जो कोई टेस्ट है ही नहीं। तो टेस्ट क्या होता है कि टेस्ट तो किसी चीज को मेजर कर रहा है कि भाई ये चीज है या नहीं है, और अगर है तो कितनी है, जैसे ब्लड टेस्ट है, ब्लड शुगर टेस्ट है, तो ब्लड शुगर है या नहीं है और है तो कितनी है, वो तो हुआ टेस्ट। रोशा में हम कोई पर्टिकुलर चीज थोड़ी टेस्ट कर रहे हैं, तो ये टेस्ट है ही नहीं, तो इसमें तुम व्हाई यू आर वरीड अबाउट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, है ही नहीं टेस्ट। एक लॉजिक ये भी है। दूसरा जो है एक और भी जो है लॉजिक है कि हम रोशा के जो टेस्ट में जो डाटा आ रहा है उसको हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देख के डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, हम उसको साइकोपैथोलॉजी के रूप में भी ले सकते हैं कि उसमें कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या नहीं, इस एंगल से भी डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए भी हम उस डाटा को देख सकते हैं, देन हम जो है अगर कोई उसके अनकॉन्शियस में कोई चीज है जो उसको एंजाइटी क्रिएट करती है वो भी हम जान सकते हैं, उसको लाइक्स डिसलाइक्स जो है उसके बेंट ऑफ माइंड जो है वो भी हम पता कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम क्या जानना चाहते हैं, या हम किसी एम्प्लॉयमेंट में सूटेबिलिटी के लिए भी उसका टेस्ट ये कर सकते हैं, है ना? तो ये डिपेंड करेगा कि हम किस थ्योरेटिकल पोजीशन से उसको एनालाइज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो डिफरेंट थ्योरेटिकल पोजीशन होगी तो फिर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होगा, सेम थोड़ी होगा। ये पॉइंट समझ में आ गया ना? तो इसलिए भी स्टैंडर्डाइजेशन वैलिडिटी रिलायबिलिटी इसमें नहीं हो सकती है। ठीक है, फिर ये देखा गया है कि जो 80% क्लिनिशियंस हैं, विच इज वेरी हाई परसेंट, दे यूज रोशा टेस्ट फॉर असेसमेंट। तो यानी कि चाहे कितनी भी रिलायबिलिटी वैलिडिटी की प्रॉब्लम है, लोग यूज तो खूब कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और अगर हम बैटरी ऑफ टेस्ट की बात करें, मतलब मोर देन वन टेस्ट होता है, तो उसमें जो है ये रोशा पक्का शामिल होता है। ये रोशा हो गया, जो वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है या वेस्लर
बैचलर इंटेलिजेंस स्किल फॉर चिल्ड्रन है, MMPI है, ये तीनों तो पक्का होते हैं। तो मतलब यूज में तो ये है, पीपल आर यूजिंग इट, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो एक बुचर एंड राउज ने 1996 में रिसर्च करी थी कि उन्होंने ये देखा कि 1974 से 1994 तक मीन्स 20 ईयर्स, सो ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड है रोशा के यूज का, कि ऑन एन एवरेज 96 जो है रिसर्च पेपर जो है वो इस 20 पीरियड में ईयर पीरियड में आए हैं अमेरिका में ऑन एन एवरेज, ठीक है। और आफ्टर MMPI ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, MMPI के बाद में सेकेंड नंबर जो है मोस्ट यूज टेस्ट में रोशा इंक्लॉट का है। सो मतलब पॉपुलर तो ये है, लोग बाग इसको कर रहे हैं डिस्पाइट ऑल दीज इश्यूज। सो यू जस्ट कैन नॉट राइट इट ऑफ कि नहीं नहीं इसमें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, वैलिडिटी नहीं है, रिलायबिलिटी नहीं, तो हटाओ वो, नहीं, पीपल आर यूजिंग इट। सो इन सब के प्रॉब्लम होने के बावजूद भी पीपल लुक फेवरेबली लुक एट रोशा असेसमेंट, और खासतौर से एकेडमिक सर्कल में। सो जहाँ की पीपल आर अनकन्विंस अबाउट इट्स रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, वो स्टिल दे आर स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये भी ये फ्यूचर ट्रेंड्स में, तो मतलब आगे भी रहने के चांस हैं। फिर एक और जो है इम्पॉर्टेंट बात है रोशा के फेवर में, वो ये है फ्यूचर की, कि जो एकेडमिक सेटिंग है उसमें जो है अगर हम ये कहें कि भाई इसका जो रिलायबिलिटी नहीं है, वैलिडिटी नहीं है, अगर इस वजह से जो है हम रोशा टेस्ट इंस्ट्रक्शंस को ख़त्म कर दें, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। क्यों अच्छी बात नहीं होगी? कि जब हम रोशा को अभी तक पूरी तरह समझ ही नहीं पाए हैं, तो बिना समझे हम उसको बंद क्यों कर दें? व्हाई वी शुड? तो हमें कोई प्रॉपर रिसर्च करें, इसको समझने की कोशिश करें, इसको स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करें, हम इसकी जो मेटा एनालिसिस करें, ये सब करने के बाद में साइकोमेट्रिक इवैल्यूएशन करें, वो सब करने के बाद में अगर हम हर तरह से लॉजिकली ये बोले कि नहीं नहीं ये बेकार टेस्ट है, तब बंद करें, फिर तो ठीक है। लेकिन हमने बिना समझे बंद कर दिया, बिकॉज हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, इसलिए बंद कर दें, तो वो गलत होगा, ठीक है। ये है। और ग्रेजुअली जो है लिटरेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिस किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स साइकोमेट्रिक जो है फाउंडेशन ऑफ रोशा। जैसे मान लो हमने कोई जितने भी आज तक रोशा टेस्ट हुए हैं और उसमें सेम रिस्पॉन्सेस पे लोगों ने क्या क्या एवेल्यूएट किया है, तो वो एक कंप्यूटर निकाल के दे देगा हमारे को, इस रिस्पॉन्स पे मैक्सिमम लोगों ने ये वैल्यूएट किया, नंबर टू ये वैल्यूएशन, नंबर थ्री ये, नंबर फोर ये, और उसकी इंडिविजुअल की जो है हिस्ट्री भी हम कोरिलेट कर दें, उसका प्रोग्नोसिस भी कोरिलेट कर दें, तो हमको सारी चीज़ें जो है एक साइकोमेट्रिक फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगी। तो वो हम जब कर लें और फिर भी कोई रिजल्ट ना निकले, फिर तो जो है समझ में आता है कि हम ये करें। तो अभी ये एफर्ट्स हुए ही नहीं है कि साइकोमेट्रिक फाउंडेशन इसकी डेवलप की जाए, इसलिए भी इसको बंद करना ठीक नहीं। फिर कई जो है जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के चाहने वाले, वो कहते हैं कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को स्टैंडर्डाइज करना ही गलत है, कह रहे हैं कि ये कंपेरेबल है ही नहीं ऑब्जेक्टिव टेस्ट से, ऑब्जेक्टिव टेस्ट का पर्पस अलग है, इसका पर्पस अलग है। सो पर्पस ही जब अलग है, सो उसके रूल्स इस पर कैसे अप्लाई हो सकते हैं? अब मान लो कि दो डिफरेंट कल्चर्स हैं, दो डिफरेंट कल्चर्स में सेम चीज डिफरेंट तरीके से की जा सकती है ना, और दोनों अपनी जगह सही है। जरूरी थोड़ी कि जो एक चीज एक कल्चर में हो रही है वो हर कल्चर पे थोप दी जाए। तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए स्टैंडर्डाइजेशन अच्छी बात है, रिलायबिलिटी होना अच्छी बात है, वैलिडिटी होना अच्छी बात है, पर वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, ये प्रोजेक्टिव है, यहाँ पे जरूरत नहीं है उसकी, जरूरत ही नहीं है उसको करने की कुछ भी, वो जैसा है वैसा ही उसको करो, यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है।
तो ये सब जो है लॉजिक उसके फॉर एंड अगेंस्ट में थे रोशा टेस्ट के. सो विद दिस आई थिंक वी हैव फिनिश द चैप्टर. यस, सो अगर कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग. ओके फाइन, आई विल स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग.